तस्वीरां विच नजर आ रहा यह राधा स्वामी डेरे विच बनाया एकांतवास केंद्र है, जिस विच नदेड़ तो परती सिख संगत नूं एकांतवास विच रख्या गया है। पर बद इंतजामी दी हद वेखो, इत्थे संगत नूं अपने हाल ते ही छड्ड दिता गया है। एकांतवास केंद्र वजों डेरा सौंप अपनी वाहोवाही खट रहे इस डेरे दे सेवादार अड्डियां नूं थुक ला फरार हो चुके ने। असल विच डेरे दे सेवादार श्रद्धालुआं दी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आउण तों बाद डेरा छड्ड दौड़ गए हन। पूरा डेरा खाली पिया है। एकांतवास केंद्र दे अंदर तो लैके गेट तक कोई नहीं। अते इस संगत विच ही मौजूद एक कुड़ी वल्लों ए वीडियो बना सोशल मीडिया ते पाई गई है। अते इत्थों दे प्रबंधां दी पोल खोली है। डेरा राधा स्वामी वल्लों वड्डे वड्डे मार के मार ए एकांतवास केंद्र वजों अपना डेरा सरकार नूं सौंपिया गया। डेरे दे सेवादार इस एकांतवास केंद्र च सेवा निभा रहे सन, पर कोरोना वायरस दे डरों संगत नूं अपने ही हाल ते छड्ड हुण फरार हो चुके हन। केंद्र विच रखे श्रद्धालु हुण खुद रसोई विच अपने लिए खाना तैयार कर रहे हन। कोई साफ सफाई दा प्रबंध नहीं। कूड़ेदान कूड़े नाल भरे हन। जो तस्वीर है इस वीडियो विच खुद वेखो ते समझो। हाँ जी वाहिगुरु जी, असी राधा स्वामी दे डेरे तो गल कर रहे हैं, जिथे कि संगतां रखी गई हजूर साहब तो आईया अटारी रोड से। राधा स्वामी दा डेरा वा इत्थे, पहला तो कोई हलचल नहीं सी। दो दिनों तो रोटी वधिया दिती जा रही सी। हुण कि 3 पॉजिटिव केस इत्थों पाए गए आ, हालांकि उन्होंने डाउट ही हैगा वा। फिर भी इत्थों के सारे सेवादार भज चुके आ, कोई रोटी पाने का इंतजाम नहीं हैगा। इत्थे हुण सारियां संगतां आपे रोटी पा के खा रही ने। कोई इत्थे केयर करन वाला नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं आ। तुसीं देख सकदे हो इत्थे आपो अपनी संगतां किदां भीड़ लगी हुई आ। देखो सारे उपर लंगर ते मक्खियां वगैरह वा, कोई पैकिंग नहीं हैगी इन्हां दी। डस्टबिन भरे हुए आ, आपे संगतां लगियां हुई ने। कोई सेवादार नहीं है इत्थे। बाहर दिखाने आ तुहानूं। गेट तक इत्थे कोई भी सेवादार नहीं हैगा, सारे भज चुके आ। तुसी आप सोच सकते हो जे इन्ना सुन के वो आप भज सकते आ, तो बाकी जिहड़े नैगेटिव संगत हैगियां वा उन्हां दा की होवेगा इत्थे? क्योंकि पॉजिटिव वाले तो हरेक जगह तो हाथ लगे हुए। इत्थे कोई भी संगत इत्थे सेफ नहीं हैगी। बाहर तक कोई भी इत्थे नज़र नहीं आता पिया। कोई भी सेवादार गेटकीपर कोई भी इत्थे नहीं हैगा गा। सारे इत्थों भज चुके आ, सारे इत्थों चले गए आ। आई रिक्वेस्ट आ कि सानू सारे नूं इत्थों कढ़िया जावे, सानू भी सेफ किया जावे, क्योंकि इत्थों सारे तां जा चुके आ, सानू कोई इत्थे सेफ करन वाला नहीं हैगा। इत्थे सवाल यह भी उठता है कि जदों SGPC वालों अपनियां सरावां इन्हां सिख श्रद्धालुआं नूं ठहराउण लई दित्तियां होईयां हन, तां सिख संगत नूं इन्हां डेरियां विच आखिर किस नीयत नाल भरिया जा रहा है? इस दे सवाल SGPC मुखी गोविंद सिंह लौंगोवाल ने भी चुके हन। SGPC वालों अपनियां सरावां एकांतवास लई साफ कीतियां होईयां हन, उत्थे ढुकवें बंदोबस्त हन, जिथे संगत नूं ठहराउण दी थां सरकार सिख श्रद्धालुआं नूं इन्हां डेरियां च ही रुकाउण लई दिलचस्पी क्यों विखा रही है? सिख संगत वालों इस सवाल चुके जान लगे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हजूर साहब तो जो संगत उत्थे दर्शन गई सी, ते हुण पंजाब सरकार वालों बसां राही उन्हां नूं वापस लिया गया, ते उन्हां सिख संगतां नूं एकांत वास रखण वास्ते डेरा राधा स्वामियां दे जिहड़े वख वख शैड ने उन्हां डेरियां दे विच जिहड़ा उन्हां नूं उत्थे रख्या गया, जिस तरह के अटारी रोड अमृतसर जो कि डेरा राधा स्वामियों का उत्थे डेरा है, उस दे विच हजूर साहब तो आई संगत नूं रख्या गया है। ते उहदे अज वीडियो जो वायरल हुई है उस दे संबंध विच, ते उत्थों एक लड़की जिहड़ी आ उह लोकां नूं अपील कर रही आ कि सानूं इत्थों कढ़िया जावे, क्योंकि जिहड़े डेरे दे प्रबंधक उस डेरे नूं चला रहे सी उस उत्थों सारे वह भज गए ने। उत्थे उन्हें सारी अपनी जड़ी सी फुटेज दिखाई है कि इत्थे जिहड़े कमरे जिहड़े बैड ने वह भी नेड़े नेड़े लगे हुए ने, अते उत्थे कोई सेवादार नहीं। डस्टबिन जिहड़े ने वह सारे भरे हुए ने, उत्थे कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई लंगर दा प्रबंध। ते आप ही वह जिहड़े एकांतवास दे विच वह यात्रु ने ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ
कि उन्होंने राधा स्वामियों के डेरिया जा नरकधारियों के डेरिया से रखना बनता सी कि श्रोमणी कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि उत्थे रखा जाए। पहला लिया वास्ते तो बीबी हरसिमरत कौर बादल जी अखबारों से बहुत बयान देंदी रही, पर जदों तो वह आ गए ने पंजाब सरकार ने तो लेंदे आ उस तो बाद कोई बयान नहीं। सो मैं ये समझदा मैं ये बारे पहला भी कह चुका है कि यह जेडे वख वख डेरिया रखे जा रहे ने, जिस तरह सिख कौम पहला बदनाम करने की कोशिश की गई ये कोरोना वायरस के कारण, जिमें कि श्री आनंदपुर साहब होले महल से उस तो बाद जड़ा गुरद्वारा मजनू का टिला है उत्थे भी पुलिस एफ आई आर दर्ज की गई जड़ी सी, तो उस तो बाद जिस तरह तबलीगियों दे किया गया इस तरह यह घट गिनतियां नूं जिथे बदनाम करन दी एक बड़ी वड्डी साजिश चल रही सी उहदे हिस्से विचों ही यह हजूर साहब तो आई संगत नूं भी जड़ा है वह करोना वायरस करके भी करोना लैके आए ने। अज सोशल मीडिया ते जिहड़े भारत दा जिहड़ा मोदी मीडिया है वह बहुत वड्डे पद्धर ते सिख कौम नूं बदनाम कर रहा ते उहदे नाल नाल डेरिया नूं प्रमोट किया जा रहा, जिस तरह के अज राधा स्वामियों के डेरे कुछ थां दे तों उत्थे जिहड़े उन्हां दी सेवा पाणी हो रही है कुछ बंदे उत्थे रखे ने ते उत्थों नारे भी लवाए जा रहे ने राधा स्वामी जिंदाबाद दे नारे लवाए जा रहे ने। अज पूरे संसार दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कि सिखां दी नुमाइंदा जमात है जिन्हें जिहदी जिम्मेवारी बनती सी कि हजूर साहब तों आई संगत नूं उत्थे रखदी उह अपने इस जिम्मेवारी तों भज चुकी है, जिस करके डेरिया नूं प्रमोट करन वास्ते सिख कौम नूं बदनाम करन वास्ते एक बड़ी वड्डी साजिश है, जिस करके मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील करदा कि जिस तरह ढाब खटीका अमृतसर दे विच उत्थे लागे एक हस्पताल है उस हस्पताल दे विच जिहड़े उत्थे एकांतवास दे विच संगत दे संगती रूप च जिहड़ी आई संगत उत्थे रखे गए ने उह भी बैड दे नाल बैड है उत्थे टॉयलेट का भी कोई प्रबंध नहीं, इसे तरह यह इथों भी संगत भज चुकी है। फिरोजपुर तो खबर आ रही ने टैक्नीकल कॉलेज जो कि शहीद भगत सिंह के नाँ दते बनया हो उत्थे भी जिहड़े एकांतवास के सिख यात्रु रखे गए ने उन्हां दा भी उत्थे कोई भी किसी किस्म का जिहड़ा कोई लंगर पानी का उन्हां दा रहण दा प्रबंध नहीं। सो मैं बेनती करदा है कि इन्हां नूं एकांतवास रखने वास्ते किसी का जी नहीं करता, पर उत्थे सरकार ठीक है असी यह समझते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती हुई कर रही है, लेकिन जिहड़े अगे प्रबंधक ने वह ठीक ढंग दे नाल काम नहीं चला रहे, जिस करके मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ते अपील करदा कि जिन्हें भी एकांतवास दे विच लोक रखे हुए ने उन्होंने आपो अपने घर हदायत की जाओ आपो अपने घर चाहिए एकांतवास जी उ अपनी सफाई रख सकन चंगा खान पीन खा सकन अकेले रह गए कोई भी मनुख जो ना तो अपने आप मरण वास्ते तैयार करता भी मैं मर जावा ना ही वह अपने किसी परिवार के मैंबर न इस तरह की जिहड़ी एक बीमारी है उहदे तों उहनां नूं होर खतरे च पाएगा कि उहनां दे नाल लगेगा। सो इस करके उहनां नूं एकांतवास उहनां दे घरां च कीता जावे ते इह जिहड़े डेरे ने अज अपनी शोहरत बना रहे ने इहनां दे बारे विच मैं तुहानूं अगली वीडियो च दसांगा कि अज इह किस तरह इस आड़ दे विच जिवें अगे 22,000 एकड़ जमीन आ गई अज भी यह जमीन किस तरह आना पै रहे वह मैं अगली वीडियो च लियावांगा, पर हुण मेरा इको एक कहना है कि अज जिहड़े सिख संगतां जिहड़ियां रखियां होईयां ने एकांतवास च उहनां नूं आपो अपने घरां च भेजा जावे ताकि वह अपना प्रबंध आप कर सकन ते इस बीमारी का मुकाबला कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। SGPC वालों अपनियां सरावां दी पेशकश करन दे बावजूद सरकार वालों सिख संगत नूं ठहराउण लई इन्हां डेरियां नूं ही क्यों चुनिया गया इस नूं लै के सोशल मीडिया ते भी तिखे सवाल उठ रहे हन। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।